ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया? नंबर्स पढ़ाया। क्या पढ़ाया? नंबर्स। कहाँ तक नंबर्स था? कौन सा नंबर्स था? आज कौन सा नंबर? 20 नंबर पढ़ाया हम लोग। 1 से 20 तक हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया। अब है आपका लेटर। नंबर के बाद क्या आता है? लेटर। देखिए आज कौन सा लेटर हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज हम आपको लेटर में पढ़ा रहे हैं कैपिटल एन एंड स्मॉल एन। कौन सा लेटर है? कैपिटल एन एंड स्मॉल एन। देखिए क्या करना है आपको, ट्रेस कैपिटल एन एंड स्मॉल एन, नेम एन, कलर द पिक्चर। यहाँ पे जो आपको डॉट्स डॉट्स करके कैपिटल एन और स्मॉल एन दिया हुआ है, इसको आप पेंसिल से पहले ट्रेस कर लीजिए। क्या करना है आपको? पेंसिल से पहले ट्रेस करना है। तो ये आप एन को ट्रेस कर लीजिए, कैपिटल एन एंड स्मॉल एन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एन से क्या क्या होता है, कौन कौन से आते हैं? एन फॉर क्या होता है? नोज। एन फॉर क्या होता है? नोज। और क्या होता है? नट। और एन फॉर क्या होता है? जल्दी बताइए। एन फॉर नोज हो गया, एन फॉर नट हो गया, और एन फॉर क्या होता है पता है आप लोगों को? पता है एन फॉर क्या होता है? नहीं, अपने बुक में देख लीजिए कि एन से क्या क्या होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बुक है आपका थीम 3 माइलस्टोन का है, और इसमें देखिए आप एन फॉर, एन फॉर नोज, एन फॉर नट एंड एन फॉर निब। एन फॉर निब, निब किसको कहते हैं? पेन। पेन की जो नोक होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? निब बोलते हैं। ओके, तो ये क्या था आपका? एन, एन से वर्ड से एन फॉर नोज, एन फॉर नट। इसको आप लोगों को क्या करना है? नाम तो लिखा हुआ ही है, आप लोगों को कलर करना है। क्या करना है? ये पिक्चर्स को कलर करना है। नेक्स्ट है आपका ट्रेस कैपिटल एन एंड स्मॉल एन। तो यहाँ पे डॉट्स डॉट्स करके आपको कैपिटल एन दिए हैं एंड स्मॉल एन दिए हैं, जिसको आपको पेंसिल से ट्रेस करना है। तो सारे एन को आप पेंसिल से ट्रेस कर लीजिए। क्या हो गया आपका? कैपिटल एन। एंड आपको क्या है? स्मॉल एन। क्या है? स्मॉल एन। नेक्स्ट है आपका राइट कैपिटल एन एंड स्मॉल एन। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई भी डॉट्स नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे डॉट्स दिया है? नहीं, आपके बुक में देखिएगा वहां भी आपको डॉट्स नहीं दिया हुआ है। आपको क्या करना है? अपने से ही पेंसिल से कैपिटल एन लिखिएगा और स्मॉल एन लिखिएगा। ओके, अब देखिए एन के बाद क्या आता है? ओके, ये आपका एन कैपिटल हुआ। एन के बाद क्या आता है? ओ। एन के बाद क्या आता है? ओ। तो देखिए इसमें भी क्या है? ट्रेस कैपिटल ओ एन स्मॉल ओ, नेम एंड कलर द पिक्चर्स। यहाँ भी आपको देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं कि ओ फॉर कौन कौन सी चीजें होती है। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, ओ फॉर आउल, ओ फॉर क्या होता है, और भी बहुत सी चीजें होती है ओ फॉर। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके बुक में जो पिक्चर्स दिए हुए हैं ओ फॉर, वो आप कलर कर लीजिएगा। और देखिए क्या है, ट्रेस कैपिटल ओ एंड स्मॉल ओ। यहाँ भी आपको कैपिटल ओ एंड स्मॉल ओ को डॉट्स डॉट्स करके दिया है, जिसको आपको पेंसिल से ट्रेस करना है। तो पहले आप सारे ओ को पेंसिल से ट्रेस कर लीजिए। ये क्या है आपका? कैपिटल ओ। क्या है? कैपिटल ओ। एंड ये क्या है? स्मॉल ओ। ये क्या है? स्मॉल ओ। तो इसको भी आप पेंसिल से ट्रेस कर लीजिए। ओके, क्लियर। लास्ट है आपका ट्रेस कैपिटल ओ एंड स्मॉल ओ। यहाँ भी आपको देखिए डॉट्स डॉट्स करके ओ नहीं दिया हुआ है। आपको क्या करना है, पेंसिल उठाइए और अपने से कैपिटल ओ लिखे एंड स्मॉल ओ लिखे। ओके, तो ये आपका क्या था? एन, और ये क्या है आपका? ओ। तो ये लेटर, यहाँ पे अभी दो लेटर आपके कंप्लीट हो गए।